सामने ये पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से, ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज की संस्थापक है, मतलब कौन ब्रह्म समाज का संस्थापक है निम्नलिखित में से। क्या राजा राम मोहन राय जी हैं, केशव चंद्र सेन है, कि महादेव गोविंद रनाडे हैं, कि श्रीमती एनी बेसेंट है, आपको बताना है। और मैंने कल वाली क्लास में आपको ब्रह्म समाज के बारे में बताया था, और यहाँ पे ट्रिक भी बताया था कि आप देखिए यहाँ पर हाँ मिल रहा है, और देखिए किसी ऑप्शन में हाँ नहीं है, तो आप ट्रिक के माध्यम से भी आप जा सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जी का है ये। और इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि कलकत्ता में इसका जो है स्थापना की गई थी, और 1828 जो है यह आप ध्यान रखना इस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का जन्मदाता इन्हीं को ही कहा जाता है, और इन्होंने सती प्रथा, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। हालांकि मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं बार बार उस पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, है ना। चलिए एक और प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था, है ना। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए कहता है कि राजनीतिक जागृति पैदा करना, दूसरा कहता है कि आर्थिक उत्थान करना, और सी कहता है धार्मिक सुधार करना, डी कहता है आध्यात्मिक पहलू का उत्थान करना। इसका क्या सही जवाब होना चाहिए जरा मुझे बताइए भाई, कमेंट करिए फटाफट। अच्छा कमेंट तो मैं सीन नहीं कर पाऊंगा, आप लोग ऐसे ही बताइए। ठीक है सी, ओके चलिए ठीक है भाई, यहाँ पर चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, लगभग लगभग जवाब आ रहे हैं आप सबका, ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बस थोड़ा सा। चलिए हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या रखा गया था। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने कहा कि धार्मिक सुधार को लेकर, और आप जानते हैं कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो था 19वीं शताब्दी में भारत को लेकर एक ऐसी नवीन चेतना का उदय किया गया था कि जिसमें पूरे देश में सामाजिक और आर्थिक की बात की गई थी। तो सामाजिक तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है ना, तो सामाजिक और आर्थिक आंदोलन को लेकर बात की गई थी, और प्रश्न ही आपके सिलेबस में ही कहा है कि मैं सामाजिक और धार्मिक चीज़ों के आंदोलन के बारे में भाई पढ़ के जाना है आप लोगों को, तो इसलिए इसका उद्देश्य जो था धार्मिक प्रथा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर आया है आप सभी का जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय जी क्या सत्य मानते हैं, मतलब उनके द्वारा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो वो सत्य माना जाता है। तो मैं आप लोगों से पहला ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन जी का कहना है कि उनका विश्वास था कि पश्चिमी संस्कृति ही भारतीय समाज को जागृत कर सकती है, और वे चाहते थे कि भारतीय तार्किक एवं वैज्ञानिक तरीके को अपनाएं। क्या यह जवाब राजा राम के द्वारा ये बात सत्य लग रही है आपको, पहली बात। दूसरी बात, राजा राम मोहन राय जी कहते हैं कि वे चाहते थे कि सारे भारतीय मानवीय प्रतिष्ठा और सामाजिक समानता के सिद्धांतों को अपनाएं, ठीक है। और फिर ऑप्शन नंबर सी कहता है कि राजा राम कहना है इनका कि वे भारत के आधुनिक पूंजीवाद के बारे में, देखिए पूंजीवाद तो आपको कट गया भाई कि काल मार्क्स का है ना, और इसमें से डी, तो अब आपका डी तो होगा ही नहीं, आपको ए और बी में से चूज करना है। जरा मुझे बताइए ए सही होगा इसका ऑप्शन कि बी सही होगा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि या बी होना चाहिए राजा राम मोहन राय के द्वारा। मैं आपको बताता हूँ राजा राम मोहन राय जी का जो स्टेटमेंट है, देखो यहाँ पे मानवीय प्रतिष्ठा और सामाजिक समानता के सिद्धांतों को अपनाया, देखो सिद्धांत को अपनाने की बात नहीं किया था राजा राम मोहन राय जी ने। राजा राम मोहन राय जी वो कहते थे जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उसको सती प्रथा, बहुविवाह, जाति प्रथा, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को दूर करने के लिए उन्होंने एकेश्वरवाद लाया था। तो एकवेश्वरवाद जो लाए थे वो पश्चिमी संस्कृति की भारतीय संस्कृति से रिलेट करता था उस समय, तो ठीक है। और ये बात उपनिषदों की अंग्रेजी में भी रूपांतरण की गई है, ये बातें वहाँ पर भी रूपांतरण किया गया। और मैं आप लोगों को बार बार वही चीज़ें रिपीट भी करवाया कि पश्चिमी संस्कृति, विभिन्न प्रकार के जो समाज सुधारक लोग थे उन लोगों ने जिक्र किया है पश्चिमी संस्कृतियों में सुधार करने की, जिसमें ईश्वरचंद विद्यासागर जी का भी नाम आता है और महादेव गोविंद रनाडे जी का नाम आता है। तो तार्किक और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की जो गतिविधि अपनाया गया था वह पाश्चात्य शिक्षा हेतु कलकत्ता में 1816 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, और यही बात थी यहाँ पर भारतीय तार्किक और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका,
सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1816। याद रखना आप लोग, कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा को लेकर हिंदू कॉलेज की स्थापना। बात समझ में आ रही है? क्लियर करिए एक बार, ये कोई ज्वाइन हो रहा है, उनको ज्वाइन करता हूँ। चलो अगर बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध रामकृष्ण मिशन से था। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि स्वामी विवेकानंद जी से है, कि राजा राम मोहन राय जी से है, कि दयानंद सरस्वती जी से है, कि श्रीमती एनी बेसेंट से। प्रश्न है यूजीसी में भी और एमपीपीएससी में सुमलित लेकर प्रश्न बनाए जाते हैं। सुमलित मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, मिलान को लेकर, है ना। सुमलित का मतलब क्या होता है? मिलान को लेकर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो किसका संबंध रामकृष्ण मिशन? स्वामी विवेकानंद से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा जवाब आया है। स्वामी विवेक और राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज से हैं, और दयानंद सरस्वती जी, देखो यहाँ पे या मैंने बताया था, और आर्य समाज में भी या है, तो इसका बन जाएगा। और एनी बेसेंट का अगर आपको याद करना है ट्रिक के माध्यम से, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब हिंदी में भी लिखा होता है, लेकिन हम ऐसा लगता है हमें कि हमें इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, यानी इंग्लिश में लिखा होता है थियोस। उसी तरीके से आप समझिए कि ये अंग्रेजी नाम है, तो एनी बेसेंट भी अंग्रेजी का ही जैसा नाम लग रहा है आपको, अंग्रेज जैसा ही नाम लग रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे दोनों के दोनों जो जवाब होंगे आपका श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का तरीका, है ना, हालांकि मैंने लास्ट टाइम में बता चुका हूँ आप लोगों को। तो आप याद रखना, रामकृष्ण मिशन ये गुरु थे किसके? स्वामी विवेकानंद जी के। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? बताइए अगर कोई डाउट या दिक्कत हो तो बताइए तुरंत आप लोग मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेता हूँ मैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे, हमने कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। देखो अभी या से मैच करो, नहीं आता है तो या से मैच करो, कहीं पर या लिखा हुआ है बताइए, कहीं या लिखा हुआ है मैच करो। तो मैंने ट्रिक बताया है ना आपको, तो हाँ सी इज द राइट आंसर होगा, लाला लाजपत राय के, क्या नाम है यहाँ पर ये, हालांकि आंदोलन से संबंधित में आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के बाद की बात में, लाला लाजपत राय और रामकृष्ण परमहंस तो आप जानते ही हैं, ये एक प्रकार ये गुरु थे उनके, क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद जी का, और स्वामी विवेकानंद जी का ही जो संस्था थी वो थी रामकृष्ण मिशन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लेते हैं निम्नलिखित में से, यहाँ पर प्रश्न आया है, प्रश्न कहता है अलीगढ़, देखो मैंने कल वाले क्वेश्चन में सारे आपको जिक्र किया हूँ, अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसने की है? क्या बदरुद्दीन तैयब जी ने किया है, कि सर सैयद अहमद खान ने किया है, कि मौलाना अब्दुल कलाम ने किया है, कि मौलाना मोहम्मद अली ने किया है? किसने किया है इसका सही जवाब बताइए। अच्छा भाई चलो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी के, भाई सर सैयद अहमद खान ने किया। वेरी गुड, बहुत सही जवाब यहाँ पर आया है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों से, कि अलीगढ़ आंदोलन जो था 1875 में जब लाया गया था, 1875 में ये लाया गया था, तो उसी समय उन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना कर दी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के नाम से आपने जाना उसको। ठीक है, तो मुसलमानों के लिए एक जो पत्रिकाएं थी उसका भी प्रकाशन सर सैयद अहमद खान ने ही किया है, और 1864 में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सर सैयद अहमद खान से, जो कि एग्ज़ाम में प्रश्न बनाए जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनाया जाता है एक नंबर का, और वो याद रखना साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है ना। तो बहुत कम लोगों को पता होता है सर सैयद अहमद खान के बारे में, बशर्ते आप वही जानते हैं कि अलीगढ़, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है 1864 में। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, सर सैयद अहमद खान ने 1864 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा देखो मैं हर एक प्रश्नों के बारे में जहां तक आपको डीप में बताना चाह रहा हूं मैं वहां पे बता रहा हूं, है ना। बाकी मैंने क्लास में आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड कर दिया है, पूरी क्लासेस आपको बता चुका हूं अच्छे से। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग कहीं नहीं दिक्कत कर रहे होंगे, मतलब आपके सारी की सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी आप सबको। ठीक है, अच्छा मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा समाज सुधारक निम्नलिखित में से कौन सा था? देखो अली जिन्ना थे, कि मौलाना अब्दुल कलाम थे, कि मौलाना सिबली नुमानी थे, कि सर सैयद अहमद खान? सबसे बड़ा कौन था भाई समाज सुधारक? डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब ऑप्शन नंबर गरिमा का आया भाई डी की तरफ, बहुत अच्छा। यहाँ पर ये मुस्लिम समाज सुधारक में इन्होंने
1875 में ही, जिस समय एंग्लो इंडिया जो मोहम्मदन करके इन्होंने स्थापना की मिशन की, एंग्लो मुस्लिम स्कूल की जब स्थापना की, बाद में ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, उसके रूप में आया। तो अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का एक प्रकाशन भी किया था, तो वहीं से इनका नाम जो है थोड़ा सा फेमस हुई है। और ये सबसे बड़े, मतलब कहा जाता है एक प्रकार से सबसे बड़ा समाज सुधारक के रूप में मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है ना, तो मुस्लिम समाज की पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदू के समाज के नहीं, ठीक है ना। उसमें तो सबसे बड़ा राजा राम मोहन राय जी हैं, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम में, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, भाई बताइए जरा। राजा राम मोहन राय आंदोलन को एक केशरवाद पर बल दिया है। दूसरा ऑप्शन, राजा राम मोहन राय के द्वारा, अच्छा यहाँ पे ब्रह्म समाज लिखा हुआ है, ब्रह्म समाज आंदोलन के गुरु में महत्ता पर जोर दिया है। और सी कहता है कि ब्रह्म समाज आंदोलन की जाति की व्यवस्था को मजबूत करता है। डी कहता है ब्रह्म समाज में सती प्रथा का समर्थन किया है। बताइए कौन सा सही जवाब होगा। बोलिए ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। वेरी गुड, एक्वेशनवाद पे बल दिया है। और आप लोगों को मैं पहली पहली ही बार 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 आप लोगों को वहाँ पर चर्चा कर चुका था कि वैश्यागमन जातिवाद अस्पृश्यता को दूर करने के लिए इसने किस चीज़ का प्रचार किया था भाई, किस चीज़ का प्रचार किया था भाई, बताइए जरा जल्दी से बोलिए। एक्वेशनवाद का प्रचार किया था, किसका, हाँ एक्वेशनवाद का प्रचार किया था, आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके बाद जवाब दीजिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर यह है, सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक के बारे में मैंने आप लोगों को भलीभांति तरीके से बता चुका हूँ। उन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। और ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया था, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। और पुनः वेदों की ओर चलो, ये किसने कहा है, नारा दिया हिंदुओं के लिए, पुनः वेदों की ओर चलो, बताइए जरा बोलिए भाई। दयानंद सरस्वती, विनोबा भावे के बारे में तो आपको पता ही होगा, भूदान आंदोलन, मैं अभी आप लोगों को उसके बारे में भी चर्चा करूँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, एक और प्रश्न लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, तो दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का निंदा की है, ये सत्य है क्या, कि दयानंद सरस्वती जी ने तीर्थ यात्रा की निंदा की है, ये सत्य है क्या। सी सही है, क्या दयानंद सरस्वती ने श्रद्धा संस्कारों की निंदा की है। क्या डी सही है, कि दयानंद सरस्वती ने वैदिक यज्ञों की निंदा की है। इसका क्या सही जवाब होना चाहिए, अच्छा यहाँ पर कहने का जवाब आ रहा है ए। तो दयानंद सरस्वती जी ने, आपको मैं बता दूँ, और इन्होंने कहा है मूर्ति पूजा की निंदा, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने, स्वामी जी ने धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा हो या बहुदेववाद हो या अवतारवाद हो या पशु बलि हो या श्रद्धा हो या झूठे कर्मकांड हो या अंधविश्वास हो, इन सभी चीज़ों को ये क्या करते थे, स्वीकार नहीं करते थे, उसकी क्या करते थे, निंदा करते थे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई चंद्रेश्वर, बताइए जरा। हेलेना पुत्र, यहाँ पर हेलेना पेट्रोवना ब्लाट्सकी एंड हेनरी स्टील ओलकार, यह ऑप्शन ए आपका कह रहा है। और ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय जी, कट गए, गोपाल कृष्ण गोखले सर्जेंट, क्या उसका सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी सोशल सर्विस लीग, इसलिए ये कट गए, यहाँ पर उनका नाम आएगा। और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, एनी बेसेंट तो सही है लेकिन सरोजनी नायडू ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। तो बताइए जरा, मैंने आप लोगों को ब्लॉटस्की और ऑलकॉट के बारे में बताया था कि नहीं बताया था। यहाँ पर जो हेनरी स्टील ऑलकॉट लिखा हुआ है, ये ऑलकार का ही नाम ऑलकॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द सही होगा कि गलत होगा, बताइए जरा आप लोग सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर ए, हाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, 1875 में न्यूयॉर्क में हुई है, और 1882 यह अरोड़ा की बुक मानता है कि यह मुख्यालय बनाया गया था मद्रास में, और 1879 अडियार में जो मद्रास में इसका मुख्यालय बनाया गया था, यह राजश्री टंडन को माना जाता है। बेसिकली आप लोग ध्यान रखें 1882 का हुई, क्योंकि इसी की प्राथमिकता के आधार पर मैंने प्रश्न देखे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब होगा इस प्रश्न का, ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो रहा है आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न,
प्रश्न ये है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई भाई, किसने की थी? एक बार मैं एक ज्वाइन करता हूँ थोड़ा सा, दीपा संघ, ओके चलिए, सी इज द राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद जी ने, ओके भाई, केशव चंद्र सेन जी। अच्छा, केशव चंद्र सेन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था एक बार कि भाई केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई के जो पांडुरंग जी थे, पांडुरंग ने ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और महादेव गोविंद रनाडे जी ने भी उसकी स्थापना की थी। तो केशव चंद्र सेन का थोड़ी सी भूमिका यहाँ पर आती है, बट ब्रह्म समाज में भी इनकी भूमिका आती है और देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में लीडरशिप की भूमिका में ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया गया था। और ये कब हुआ था? जब राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो गई थी तब की बात है, तब केशव चंद्र सेन की भूमिका वहाँ पर आती है। बट याद रखना आप लोग, आदि ब्रह्म समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता में 1865 में कर दिया था और साधारण ब्रह्म समाज का आनंद बोस ने कर दिया था 1878 में कर दिया था। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है। और रामकृष्ण मिशन ऑप्शन नंबर यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये 1897 भी की ऑप्शन में मिलता है और 1896 का भी मिलता है। UGC ने 1897 माना था, कब? 5 नवंबर 2020 का जो प्रश्न हुआ था तब माना था उसको, ठीक है? स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पर पूछा गया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, ठीक है? और शिकांगो के धार्मिक सम्मेलन हुआ था वहाँ पे, तो पाश्चात्य जगत को लेकर भारतीय संस्कृति के दर्शन पर इन्होंने चर्चा किया था और पाश्चात्य संस्कृति को लेकर समाज सुधारक सभी लोगों ने काम किया, धर्म को लेकर और समाज को लेकर, ठीक है? बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर देखो आपको मैच करना है, जोड़ा बताइए यहाँ से कौन सा जोड़ा सही है। क्या राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है? दयानंद सरस्वती जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है? एनी बेसेंट ने आर्य समाज की स्थापना की है? रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण मिशन बनाया है? बताइए क्या इसका सही जवाब होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है आप सबका, ए इज द राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। और अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ज्योतिबा फूले का संबंध किससे भाई? ज्योतिबा फूले का संबंध किससे? देखो आधा मैंने जा बताया था और या से पहले कोई अक्षर, आधा अक्षर आ रहा है या से पहले, देखो इसमें। अच्छा, ये तो पूछा ही नहीं ना, सत्य शोधक समाज को रिलेट करवा रहा था मैं, यहाँ पे ट्रिक बता रहा था, प्रश्न कुछ दूसरा है, संबंध पूछा है। सत्य शोधक से इसका संबंध तो है ही, तो आप जानते हैं भाई। तो जाति विरोधा आंदोलन था, श्रमिक आंदोलन था, किसान आंदोलन था कि अवज्ञा आंदोलन था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सही जवाब दिया है इन्होंने, जाति प्रथा। और आप ध्यान रखिए यहाँ पर जाति विरोध, जैसे कि अगर सत्य शोधक समाज की बात मैं जब करूँ आप लोगों से, ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के रहने वाले, 1873 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी सत्य शोधक समाज की, 1873 में, 1873 में। तो इस आंदोलन में दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए काम किया था, निम्न और जाति विरोध के रूप में काम किया था, इसलिए आपका यह जवाब सही होगा। कहीं पर दलित और जाति लिखा नहीं मिला, लेकिन जाति ऑप्शन नंबर ए में मिला है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए को आप चूज करोगे। इनकी एक पुस्तक थी गुलामगिरी, गुलामगिरी 1872 की पुस्तक, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन डे एग्जाम में पूछा गया है गुलामगिरी को लेकर SSC में, है ना? तो याद रखिएगा आप गुलामगिरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 20वीं सदी में केरल के दलित के उत्थान के लिए किसने काम किया? बहुत अच्छा प्रश्न है और मैंने आप लोगों से इसके बारे में भी बता चुका हूँ, नारायण गुरु ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आया है आप लोगों का। मैंने आप सब से कल वाली क्लास में भी चर्चा किया था कि 20वीं शताब्दी में केरल के दलितों के उत्थान के लिए, मैं आप सबसे बता चुका हूँ, नारायण गुरु जी का भूमिका हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न लीजिए, तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी का मतलब आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, तत्वबोधनी। तो तत्वबोधनी एक प्रकार की सभा है, इस सभा के संस्थापक कौन है? कौन बताएगा मुझे तत्वबोधनी सभा के? देवेंद्रनाथ ठाकुर सेन बता रहे हैं आप यहाँ पर। और सही जवाब इस प्रश्न का अगर मैं आपसे बताऊं तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है, देवेंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, ठीक है? देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने इन्होंने किया है भाई, किसका? तत्वबोधनी सभा। तो तत्वबोधनी सभा में ठाकुर जी का नाम आएगा, ये याद रखिएगा। अब देवेंद्रनाथ टैगोर और ठाकुर एक मत समझिएगा भैया, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। और एक प्रश्न और आता है,
सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? तुरंत बताइए, अभी मैंने बताया है। वेरी गुड ज्योति, एक प्रश्न पे कम से कम समय लीजिए, है ना, जितना हो सके उतना कम समय लीजिए आप एक प्रश्न पे। निम्नलिखित में से एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म के बारे में किस बंदे ने बताया है आप लोगों से? तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी नारायण गुरु इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह एक प्रकार का उनका क्या था भाई, कोटेशन था, एक उनका शब्द था, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अच्छा एक और प्रश्न लीजिए, विंडो हिंदू विंडो रीमैरिज एक्ट आप जानते होंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया है? कम से कम समय बताइए जल्दी से। हाँ, 1856 में, आप ध्यान रखना यहाँ पर हिंदू विधवा पुनर्विवाह के बारे में इस अधिनियम को लागू किया गया था और विधवा विवाह के कानूनी को मान्यता भी दी गई थी। और आपको ध्यान आपको एक चीज़ बता दूं मैं यहाँ पर, डीके कर्वे जी की एक अहम भूमिका होती है महिलाओं के उत्थान के लिए, इन्होंने बहुमूल्य प्रयास किए थे। और 1899 में क्या हुआ था आपको बता देता हूँ मैं, आप ध्यान रखिएगा कि पुणे में हिंदू विधवा पुनर्विवाह सॉरी विधवा गृह की स्थापना की गई थी। हिंदू, ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को, हिंदू विधवा गृह की स्थापना की गई थी पुणे में 1899 में। और मुंबई में कब किया गया था, हालांकि आपको याद रखना है 1906 में एक भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कब, 1906 में। तो तीन वर्ष हैं जो एग्जाम में प्रश्न बना सकता है यहाँ से, तो इन तीनों के तीनों आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये, और तीसरा 1856 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम में मैं, और ये देखो प्रार्थना लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रेप वाला रहा प्रार्थना। तो प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन है? तो मैंने ट्रिक बताया था। अरे भाई यहाँ पे तो देखो ये प्रश्न आई थिंक गलत आ गया है, ठीक है ना, ये प्रश्न गलत है भाई। यहाँ पर महादेव गोविंद रनाडे भी होंगे सही जवाब, और आत्माराम पांडुरंग भी होंगे, और बिंजी भंडारकर का नाम सुना होगा, भंडारकर का नाम, ठीक है, तो जीके भंडारकर भी, गोपाल कृष्ण गोखले भी हैं, ये भी तीनों आ जाएंगे, ठीक है। प्रार्थना किसका भाई, महादेव को करोगे, आत्मा से करोगे, और वहाँ पे उनके पास पूरे भंडार है, शिव जी हैं तो हर चीज़ का भंडार है, गोपाल कृष्ण आप कह सकते हो ये भी कि उनका एक अवतार है, ठीक है, इस तरीके का भी नाम ले सकते हो आप लोग। तो एक ट्रिक थी ऐसा, यहाँ पर होना चाहिए था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है ऐसा मुझे प्रश्न में देना चाहिए था। तो इस प्रश्न का जवाब होता बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न लेता हूँ, अहम दिया आंदोलन का नेता कौन था भाई? अहम दिया आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा और मैंने आप लोगों को बताया भी है, मिर्जा गुलाम अहमद। वेरी गुड, अहम दिया आंदोलन। तो ये 1889 को इसकी स्थापना की गई थी अहम दिया आंदोलन की, ध्यान रखिएगा आप लोग। और मिर्जा गुलाम अहमद गुरुदासपुर, हाँ आवाज़ क्लियर नहीं है तो आप लिफ्ट होकर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और अहमदिया आंदोलन को 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद गुरुदासपुर, जो पंजाब के गुरुदासपुर के ज़िले में है और कादिया एक नगर है उसमें हुआ था। तो मिर्जा साहब ने अपने सिद्धांतों में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, बाराहीन अहमदिया, किताब का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, किताब क्या था भाई दोबारा से मैं बोल देता हूँ स्क्रीन पर, तो भाई नहीं लिख पा, हालांकि मैंने कल लिखा था स्क्रीन पर, है ना, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, अहमदिया आंदोलन की जो पुस्तक थी उसका नाम था बाराहीन अहमदिया, 1880 में यह संकलित हुई थी, ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेता हूँ, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई, अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूँ, पश्चिमी सीमा प्रांत में समाज सुधार के लिए अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था भाई, उस आंदोलन का नाम क्या था? पश्चिम सीमा प्रांत में एक समाज सुधार का आंदोलन किया गया था तो उसका नाम बताना था आपका, क्या उसका नाम था? तो क्या यहाँ पर खुदाई खिदमत गार आंदोलन था कि अलीगढ़ आंदोलन था, अहमदिया आंदोलन था कि अंजुमन हिमायत इस्लाम था? तो इसलिए आपको मैं बता दूँ यहाँ पर पश्चिमी प्रांत को लेकर, तो पश्चिमी प्रांत में जो सीमा प्रांत पे अब्दुल गफ्फार का नेतृत्व भूमिका रही थी वो था
खुदाई खिदमतगार आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को इस प्रश्न के सारे आपको वो भी मिल जाएंगे, MCQs भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, आंसर भी, ठीक है ना। तो शायद आसानी होगी अब आप लोगों को देखने में कि एक बार इसे ज़रूर शीन करें, एक प्रश्न जरूर यहाँ से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उसी क्रम में और प्रश्न लेते हैं हम लोग, है ना। तो प्रश्न है कि किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश और पंजाब के मद्रास में खोली गई थी, किसके प्रयास के कारण था। देवेंद्रनाथ टैगोर थे, केशव चंद्र सेन थे, कि आनंद मोहन बोस थे, कि इनमें से कोई नहीं था। कौन सा इसका सही जवाब होना चाहिए बताइए, जरा बताइए भाई। आनंद मोहन बोस का नाम सुना होगा, जो आज साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1878 में। भूल जाते हो, बहुत जल्दी भूलते हो यार आप लोग, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका सही जवाब होगा। क्या मेरी आवाज़ आप लोग पास पहुंच रही सही तरीके से, कंफर्म करिए एक बार। चलिए चलो कोई बात नहीं, तो आप आज जान लीजिए कि ब्रह्म समाज में जब राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु होने के बाद उन्हीं ब्रह्म समाज की नेतृत्व की भूमिका जो है बागडोर जो है आनंद मोहन बोस ने संभाला, और उसी ब्रह्म समाज को उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसी एरियाओं में क्षेत्र में इन्होंने फैलाया, और उसका नाम रखा था साधारण ब्रह्म समाज नाम रखा था। तो वहाँ पर सही जवाब होगा आपका आनंद मोहन बोस। अब क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न है कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली, वामा बोधनी पत्रिका निकाली, कौन बताएगा भाई वामा बोधनी पत्रिका निकाली है। तो यह जवाब आप लोगों को मुझे जवाब बताना होगा कि इसका सही जवाब किसका होगा। श्री राजा राम मोहन राय जी का। अच्छा जी, ओके। और भी कोई सज्जन, अच्छा प्रश्न, ओके। थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, थोड़ा सा। हाँ चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए कहाँ पर हम लोग थे, किसने, यहाँ पे प्रश्न है कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिकाएं निकाली है। केशव चंद्र सेन ने निकाला है, कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने निकाला है, कि राजा राम मोहन राय जी ने निकाला है, कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने निकाला है। तो आपके सामने ये जवाब है, जरा मुझे बताइए इसका क्या सही जवाब होना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पर वामा बोधनी पत्रिकाओं के बारे में जिक्र हुआ है, तो वामा बोधनी जो पत्रिका है वो दिया गया है केशव चंद्र सेन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और केशव चंद्र सेन की भूमिका जो रही है वो राजा ब्रह्म समाज में रही है, जहाँ पर महिलाओं के बारे में पत्रिका इन्होंने निकाली थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न लेता हूँ कि किन, देखो प्रश्न ये है कि किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया, और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज और नौ विधान की स्थापना कर दी। हालांकि केशव चंद्र सेन का नाम आप ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज में तो आता ही आता है, लेकिन साथ साथ नौ विधान और भारतीय ब्रह्म समाज के नाम भी आता है। तो यहाँ पर सही जब पहला ऑप्शन क्या होगा, सामाजिक सुधार और उसमें जाति प्रथा के संबंधित में सुधार की बात किया था, नहीं, यह प्रश्न गलत है आपका, यह जवाब आपका गलत है। और ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो हिंदू और ब्रह्मवाद की संस्था, ये भी आपका गलत है, इसमें से कोई जवाब नहीं है इनका, इनमें कोई भी जवाब नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। अगर मैं आपसे बताऊं आप लोगों से, तो 18 यहां पर जो बात किया था, तो इनका बेसिकली मोटो था महिलाओं को लेकर, तो यहां पर नौ विधान और कहीं महिला से संबंध में ऐसी कोई बातें नहीं किया गया है, ठीक है। तो महिलाओं के संबंध में शिक्षा को लेकर कहीं पर बात नहीं किया गया, तो इनका जो फोकस किया गया था कार्य केशव चंद्र सेन का नव विधान में और भारतीय ब्रह्म समाज में, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा इसमें से डी होगा, ना ही ए सही है और ना ही बी सही है,
कोई इसमें से सही नहीं है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा ये प्रश्न। देवबंद, हाँ बोलिए बोलिए। विवाद की वजह इस प्रश्न के आधार पर पूछ रहे हो कि इनके थ्योरी के आधार पर पूछ रहे हो, सिद्धांत के प्रश्न के आधार पे? अच्छा 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 इस प्रश्न ने देखो उसका मन रहा होगा, आपका मन है कि सारा प्रश्न शायद आप कोई ना कोई ऑप्शन को चूज करो, तो हो सकता है आपका माइंड ऐसा भी लगा कि यार इनमें से कोई ना कोई एक तो जरूर होगा, तो ना ही ए ना ही बी हो सकता है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बात करूँ इसके सिद्धांत के आधार पर, तो आप इसका सिद्धांत ये कहता है भाई कि इस प्रश्न के आधार पर कि जब 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ था, केशव चंद्र सेन ने एक भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और एक नवविधान का, और इनमें महिलाओं के उत्थान को लेकर वाम जो बोधनी पुस्तक ली, जो पत्रिका आई, वो महिलाओं की शिक्षा को लेकर अग्रसर था, जिसमें महिलाओं के बारे में बात की गई थी, तो महिलाओं के संबंधित में सुधार करने की बात की। बेसिकली जाति को लेकर बात उसने नहीं की, ना ही उसने कोई प्रथा की लेकर बात की, उसने केवल केवल मात्र अगर बात किया तो उसने महिलाओं की शिक्षा के उत्थान की बात की है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ना ही एक सही है, ना ही इसमें इसके बारे में बोला है, ना ही हिंदुवाद और ब्रह्मवाद के बारे में बोला है। ये तो हिंदुवाद के बारे में और ब्रह्मवाद के बारे में आप जानते हैं भाई स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। देवबंद आंदोलन की तरफ आइए। देवबंद आंदोलन से जुड़े किस विद्वान का नाम बताया जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है? बताइए देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन जो है एक नैनो तभी नाम था उनका, नैनो तभी, और मोहम्मद कासिम नैनो तभी, जो राशिद अहमद गंगोही उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति थे। और देवबंद आंदोलन जो है 1867 में इसकी स्थापना की। तो बताइए इसके आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? बोलिए मोहम्मद कलाम अहमद, यहाँ पर लिखा हुआ है आज़ाद, मोहम्मद सॉरी अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद जो है यहाँ पर इसका सही भूमिका होगी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई है। तो यह सही जवाब आपका होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। कारण ये है कि इन्होंने यह आंदोलन अंग्रेजी विरोध के लिए किया था और शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति को लेकर, ठीक है, देवबंद आंदोलन को समर्थक सिवली नुमानी में इन्होंने इसके बारे में एक संस्था है जो इसकी स्थापना की थी 1884 में। यह आप ध्यान रखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद देवबंद से जुड़े हैं विद्वान, इसकी स्थापना मोहम्मद कासिम नैनो तवी ने किया है, यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का। आगे हम बात करते हैं शारदा मणि कौन है? शारदा मणि कौन है भाई? अच्छा प्रश्न है, शारदा मणि कौन है? बोलिए, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए जरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी यार एक मिनट, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि अभी मुझे एक वो मिला है, पॉइंट्स मिला है, ठीक है ना, केशव चंद्र सेन के द्वारा, हालांकि जब उन्होंने सती प्रथा विरोध और, ठीक है, यहाँ पे सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है भाई, सी इज़ द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, हिंदुवाद और ब्रह्मवाद संबंध में जब उनका भूमिका वहाँ पे आ गई थी ब्रह्म समाज में, तो जाहिर सी बात है यार वो उसमें करेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ पे सही जवाब होगा इस प्रश्न का। ठीक है, ठीक है भाई चंद्रेश जी, शायद आप ही का प्रश्न था ये। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, शारदा मणि कौन थे भाई? शारदा मणि एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये है, आपको बता दूँ, ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई है। वेरी गुड। कूका आंदोलन किससे गठित या संगठित किया गया है? कूका आंदोलन तो गुरु राम सिंह के द्वारा, ठीक है भाई। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह के द्वारा यह संगठित किया गया है, ठीक है। या याद रखिएगा कूका आंदोलन, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप जाने कि कूका आंदोलन भी है ना। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया है क्या, बोलिए, आर्य समाज। हाँ, 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नौ हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे प्रतिनिधि सर्वश्रेष्ठ? स्वामी विवेकानंद। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति के दर्शन से अवगत कराया था इन्होंने, ठीक है। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद का इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? विवेकानंद है, बताइए कब स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की? डी, वेरी गुड, शाबाश। मैंने बताया था आप लोगों को भी सर। तूफात उल मुहद्दीन की रचना, भाई इसका तो ऐसी बुक लिखा है राजा राम मोहन राय ने कि बड़ी कंफ्यूजन कर देता है भाई। 1803 के दौर पे इन्होंने एक्वेशरवादियों के उपहार के लिए तूफात उल मुहद्दीन करके पुस्तक लिख दी, और ये एक्वेशरवादी पर है ये पुस्तक पहली। और इसकी ईसाई में अगर मैं बात करूं तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की भी पुस्तक इसी ने लिख दी है, राजा राम मोहन राय ने, है ना। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस जो लंदन की जॉन डिब्बी के प्रत्ययों में प्रकाशित हुई थी। और आप एक बात और भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ये नौ दिन के जो प्रातः तारे के रूप में जाने जाते हैं ना, ये किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय जी को ही जाना जाता है, ठीक है। और मैंने कल लास्ट में जाते जाते आप लोगों से एक कॉन्सेप्ट बताया था 1856 के अकॉर्डिंग, जरा मुझे बताइए कि जो 1856 में कानून पारित हुआ वो धार्मिक अयोग्यता कानून था, दूसरा है कि सती निषेध रेगुलेशन एक्ट, यानी यहाँ पर अगर आपको कहूँ मैं तो ये कितना होगा भाई, 17 है ना, ये 17 ही लिखा हुआ है, रोमन अंक का 17 नंबर है, ठीक है, 17। और थर्ड है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, और फोर है राज्य हड़पने का सिद्धांत। जरा बताइए किसमें किस पे चर्चा हुई थी 1856 के कानून पे जब पारित हुआ था, बताइए। देखो मैं आपको बताऊं, पहली बात तो आपको ये मानना है, आप ये चीज समझिए, ठीक है। पहले तो धार्मिक अयोग्यता का कानून था ये, एक प्रकार का इसको सही माना इसमें। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तीसरे पॉइंट को, देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून था ये, तो इसलिए ये तो सती निषेध रेगुलेशन जो है उसका है, आप जानते हैं क्या नाम है, विलियम बैट्रिक का है ये, जिसमें राजा राम मोहन राय के दौर पे उन्होंने क्या किया था, वायसराय था उसकी मदद किया था, वहाँ का पॉइंट है ये, और राज्य हड़ताल का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। ये तो किसानों के आंदोलन को लेकर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द राइट आंसर होगा, 1 और 3 सही है यहाँ पर। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया है, बताइए जरा। महाराष्ट्र के सुधारक को, वेरी गुड, गोपाल हरिदेश मुख को कहा गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आया है आपका, ठीक है भाई। गोपाल हरिदेश मुख को बोला गया है भाई महाराष्ट्र के सुधारक में लोकहितवादी के रूप में, है ना, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। पंडिता रमाबाई के बारे में कल आप लोगों को चर्चा किया था कि भाई महिलाओं के क्षेत्र में बहुत अच्छा उत्तीर्ण काम किया है इन्होंने आर्य शिक्षा को लेकर, है ना। और गोपाल कृष्ण गोखले तो आपको जानते ही आप सभी लोग, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो सोशल सर्विस लीग था उसके बारे में स्थापना के रूप में इनको जाना गया 1915 में, है ना, तो आप याद रखेंगे ये भी चीज़ है। 19वीं शताब्दी में धर्म और समाज सुधार आंदोलन की जनसंख्या के किस वर्ग में मुख्यतः आकर्षित किया गया था? एक पॉइंट है बुद्धिजीवी पर, दूसरा पॉइंट है नगरी उच्च जातियों पर, तीसरा पॉइंट है निर्धन सर्व साधारण वर्ग पर, चौथा पॉइंट है उदार रजवाड़े से। जरा बताइए कौन सा सही है इस प्रश्न का जवाब।
देखिए, जो 19वीं शताब्दी में धर्म और समाज सुधार आंदोलन की जनसंख्या के वर्गों के बारे में जब आकर्षित की एक्टिविटीज होती है ऐसी कोई बात, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, बुद्धिजीवी के बारे में इसने सही बताया था, और अगर मैं आपसे बात करूं तो इसने नगरी उच्च जातियों के बारे में भी सही बात बताया था, ठीक है। तो इसलिए एक और दो सही हो जाएगा यहाँ पर। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग के बारे में बात नहीं हुई थी, ना ही रजवाड़े के बारे में बात हुई थी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर वन में यहाँ पर जो होगा बी सही माना जाएगा ऑप्शन। पहला पॉइंट सही है बुद्धिजीवी, दूसरा पॉइंट है नगरी उच्च जाति, ठीक है। 19वीं शताब्दी की बात है ये, धर्म और सुधार आंदोलनों को लेकर। ब्रह्म समाज जो है किस सिद्धांत पर आधारित था? एक केशरवाद पर था, कि बहुदेववाद पर था, कि अवनीशवाद पर था, कि आदित्यवाद पर था, किस पे था ये, कौन से सिद्धांत पर ये आधारित था? एक्वेशर, हाँ एक्वेशरवाद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्वेशरवाद। और मैंने आप सबको भली भांति तरीके से बताया है यहाँ पर कि जितनी भी हिंदू समाज में बुराइयाँ थी, सती प्रथा, बहुविवाह और जातिवाद, अस्पृश्यता आदि बुराइयों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक्वेशरवाद सिद्धांत का अहम तरीके से प्रचार प्रसार किया, और इसी कारण से इन्हें एक्वेशरवादी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है ना? प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, देव समाज की संस्थापक कौन है? देव समाज के संस्थापक कौन है? तो देव समाज के संस्थापक हैं शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री हैं इसका सही जवाब, देव समाज के संस्थापक है ना। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है भाई? नहीं नहीं, हरिदास स्वामी नहीं है यहाँ, हरिदास स्वामी नहीं माने जाएंगे यहाँ पर, माने जाएंगे आपको शिव दयाल साहब, शिव दयाल साहब माने जाएंगे, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है राधा स्वामी सत्संग वगैरह, ठीक है ना, लेकिन समझिए आप लोग यहाँ पर बस, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्या है। फारसी अगर साप्ताहिक मिरात उल अखबार का प्रकाशन की बात होती है तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फारसी साप्ताहिक में सैयद अहमद खान, अच्छा देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे साप्ताहिक का नाम जिक्र हुआ है, और साप्ताहिक समाचार पत्र में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो आप सब लोग भलीभांति तरीके से जानते हैं मिरातुल अखबार के बारे में, और जो मिरातुल अखबार है या उसी मिरातुल अखबार के बारे में जो प्रकाशन हुआ, तो वैदिक विज्ञान के अध्ययन में वेद मंदिर के नामक पत्र में यह चीज़ जो है संचालन की गई थी। बेसिकली 1822 में हिंदू उत्तराधिकार नियम बना दिया गया था, लेकिन 1821 में भारतीयों के द्वारा जो प्रकाशित संपादित किया गया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, और उसका नाम था क्या, एक्वेशरवादी का जो मत किया गया था, जो मत दिया गया था 1815 में, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था आत्मीय सभा के रूप में देखने को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो इसका जो प्रकाशन हुआ था तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर हो रहा है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के हेतु 1872, देखो मैंने कल जाते जाते आप लोगों को स्क्रीन पर टाइप कर करके बताया, और ये प्रश्न आप ही लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिविल मैरिज एक्ट को लड़कियों का न्यूनतम विवाह जो है विवाह करने की एज कितनी रखी गई थी बताइए जरा मुझे आप, क्या है ए, अच्छा लड़कों की एज, चलो मैंने बदल दिया, आप लड़की के बजाय मैंने लड़का लिख दिया यहाँ पे, क्वेश्चन में मान लीजिए लड़का आएगा, लड़का सी शारदा, यहाँ पर देखो मैं आपसे कह रहा हूँ 1872 की बात, 1872 की बात कर रहा हूँ, और 1872 में जो देसी बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया था, उस अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का एज बताया गया था, और 18 वर्ष से कम आयु की बालकों की बताई गई थी। सही जवाब आया है किसी का, लड़कों के लिए 18 हो जाएगा, ठीक है भाई, लड़कों के लिए 18 हो जाएगा, है ना, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तजीब उल एखलाक
इकलाक लिखा हुआ है, तजीब उल इकलाक की रचना किसने की भाई? अच्छा प्रश्न है, अब ये प्रश्न बना सकता है आपके लिए एग्जाम के लिए, बताइए। सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर आपका हाँ सर सैयद अहमद खान की किताब, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सर सैयद अहमद खान की, ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसे। और साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी आप लोगों से कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठाओं को व्यक्त करने के लिए राजभक्त मुसलमान पत्रिका का भी प्रकाशन किया है। तो राजभक्त पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है? बात बसरते लोग काट देते कि भाई इसने तो हिंदू जैसा नाम रखा हुआ है, मुस्लिम है तो मुस्लिम जैसी किताब का नाम रखेगा, गलत कर जाते हैं। तो राजभक्त मुसलमान पत्रिका किसने लिखा भाई? सर सैयद अहमद खान ने ये भी, और तजीब उल इकलाक की रचना भी इसी ने की है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधारक आंदोलन कौन सा था? पहला सुधारक आंदोलन कौन सा था? इस प्रश्न को देखो बनाने का तरीका विभिन्न तरीके से, देखो एक ही प्रश्न को बार बार इस तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, जरा बताइए आप लोग, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधारक आंदोलन कौन सा था भाई? आर्य समाज, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ए होगा ब्रह्म समाज, वेरी गुड, ए होगा, बी गलत हो जाएगा, आर्य ब्रह्म समाज होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, यहाँ पर कौन सा? ब्रह्म समाज होगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न लीजिए, ब्रह्म समाज का उद्देश्य कौन सा था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, और ए बी फिर इसका दोनों था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन किन कौन, यहाँ पे देखो कौन होना चाहिए था, यहाँ पे कौन होना चाहिए, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन में कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का भी विरोध किया था? जरा बताइए कौन सा होना चाहिए? धर्म सभा, हाँ वेरी गुड, धर्म, नहीं नहीं नहीं, तत्व बोधनी सभा नहीं होगा, यहाँ पर आपको बताऊँ तत्व बोधनी सभा कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में किया था ये, और उसका उद्देश्य ये था कि राजा राम मोहन राय के विचारों का जो प्रचार प्रसार था इसी ने किया था, तो अंतर जातीय विवाह और स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया था, बाल विवाह बहुविवाह जाति प्रथा और कटु आलोचना इसकी की थी, तो वो था तत्वबोधनी सभा, है ना, इसका मोटो वो था। लेकिन धर्म सभा की अगर बात होती है तो यहाँ पे जो ब्रह्म समाज के अंतर्गत आता है सती प्रथा के समेत जो सुधार की गई थी, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पर, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए सही है। धर्म सभा 1839 मैंने बोला है, यहाँ पे 1829 लिखा है, देखो 39 में उसकी स्थापना हुई है, ठीक है भाई, यहाँ पे धर्म सभा को रिलेट करवाया है किसको? देवेंद्रनाथ टैगोर को, मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ यहाँ पर कि भलीभांति तरीके से जो आया है वो 1839 ही आप लोग लगाएंगे, ठीक है ना, ये 1839 और 30 के बीच का नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, यह है आप ध्यान से सुन लीजिए, 1839 ही सही मानेंगे आप लोग, ठीक है। और इसके संस्थापक थे कौन भाई, बताइए जरा, ए यार भाई गलती कर जाता हूँ, सॉरी, सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर यहाँ जो होगा ये 39 का उसका है ना, 39 किसका है भाई, तत्वबोधनी का है, तो लेकिन यहाँ पे धर्म सभा दिया हुआ है, धर्म सभा सही है, 1839 के संस्थापक हैं ये, सही है। अब यहाँ पर बताइए जरा कौन सा होगा, तत्वबोधनी को मैं रिलेट कर रहा था, जरा बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, धर्म सभा का, धर्म सभा का कौन सा सही जवाब होना चाहिए? राधाकांत देव, राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, बताइए जरा, लॉर्ड विलियम बैटिंग, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम बताइए जरा, देव नरेंद्र नाथ दत्त, ओके भाई शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन, यानी उन्मूलन का मतलब होता है कम करना, बताइए जरा किसके द्वारा किया गया था ये, राजा राम मोहन राय, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की है? सर सैयद अहमद खान, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए सही है। आर्य समाज की किसके विरुद्ध कार्य हुआ, बताइए जरा, आर्य समाज किसके विरुद्ध काम हुआ,
धार्मिक अनुष्ठान, हाँ नहीं, इस्लाम को लेकर नहीं, नहीं, आर्य समाज किसके विरुद्ध है, किसके आर्य समाज विरुद्ध था, किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था वो, है ना। मूर्ति पूजा वगैरह नहीं, बहुदेववाद कहाँ मानता था भाई, मानते थे बताइए जरा स्वामी दयानंद। युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन था, युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? तो हेनरी विलियम डेरोजियो था। हाँ ठीक है, डेरोजियो था युवा बंगाल का। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे बताऊं, ये 19वीं शताब्दी के दौर में आया था और ये प्रेस की स्वतंत्रता और जमींदारों के अत्याचारों के जो रयत थे उनकी सुरक्षा को लेकर सरकारी उच्च सेवाओं को भारतीय भारतीयों को रोजगार दिलाना था। डेरेजियो की आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। डेरेजियो को क्या बोला जाता है? आधुनिक भारत भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि बोला जाता है, इसी को बोला जाता है। ठीक है भाई, और कलकत्ता में इसका आंदोलन का जो है वो किया था, स्थापना की थी, प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों के जो रवैया थे उनको, रियासत थे जो थी उनकी सुरक्षा उनसे दिलवाना, सरकारी उच्च सेवाएं, भारतीयों को रोजगार दिलाना, ये सारा काम जो है हेनरी विलियम डेरोजियो का नाम आता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज द राइट आंसर होगा इसका सही जवाब। और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो भारत का कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय जो कार्यकाल है स्थापित किया है बताइए जरा एक बार। मद्रास। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, मैंने बताया था कल आप लोगों को, अरुणा की बुक के अकॉर्डिंग मिला था, है ना। किसी समय में महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके हैं और पर उनके अलग होने पर अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे, ये व्यक्ति बताइए। ई वी राधा स्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है इस प्रश्न का सही जवाब। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना का क्या प्रभाव डाला था? हाँ, क्वेश्चन द्वारा क्या है, पहली बार पढ़े हो आप तो आप यहां पे ये जान लीजिए कि आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है मेरी बात को ध्यान से आप लोग सुनिए, आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाला, तो आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाला ई वी राधा स्वामी है। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति ई वी रामा स्वामी नायकर हैं, और आत्मसम्मान आंदोलन जो स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ था 1920 में। कब? 1920 में, और यह है स्टार्ट हुआ था दक्षिण भारत में। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ था। हिंदू रूढ़िवादिता का जो खंडन किया जाना एक प्रकार से जो हो रहा था, हालांकि राधा स्वामी नायकर के मनोधर्म शास्त्रों में रामायण को जलाने की वकालत के बारे में इन्होंने जिक्र किया है वहां पर उनके अकॉर्डिंग। तो आत्मसम्मान लीग सन 1944 में आया जस्टिस पार्टी के साथ, और यह एक प्रकार का द्रविड़म, जो द्रविड़म समाज था उसको रिलेट करता था। तो ई वी राधा स्वामी पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे ये, और इन्होंने ही शुरुआत किया था। ये बेसिकली हरिजनों, जो हरिजन लोग हैं उनको सहयोग देने की बात करता था। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन 1920 को। ठीक है, चलिए और 19वीं सदी के बात कर लेते हैं ज्योतिबा फूले के बारे में। बताइए जरा सत्य शोधक समाज में क्या प्रयास किया उसने? दबी ब्राह्मणों और उनमें अवसरवादी धर्म ग्रंथों की निजी जातियों की रक्षा करने की बात की थी, ऑप्शन नंबर ए। क्या जाति प्रथा पे आक्रमण? नो। सतारा में जमींदारियों के विरोधी के महाजन के लिए विप्लव का नेतृत्व? नो। अछूतों के लिए पृथक्करण? नो। यहाँ पर अवसरवादी धर्म ग्रंथ था ये। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, जो दलित और निम्न जाति वर्गों के कल्याण के लिए चलाया गया था ये 1875 में, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। और ये
किसने किया है, ज्योतिबा फूले द्वारा, ये दोबारा से रिपीट हो गया। किस धर्म सुधार में मृत्यु के मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? अच्छा प्रश्न है और ये यूजीसी में प्रश्न पूछा जा सकता है। किस धर्म समाज सुधारक की जो मृत्यु हुई थी वो बाहर हुई थी, कौन बताएगा किसका? बी, वेरी गुड, राजा राम मोहन। नहीं, राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु बाहर हुआ है, इनका मृत्यु जो है बाहर हुई है। सही जवाब इनका आया भाई, किसी ने बोला है अभी राजा राम मोहन राय जी के बारे में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वह होगा आपका बी, 1833 में लंदन में हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है भाई, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक की रचना किसने की है? मैंने अभी अभी आप लोगों से जिक्र किया है सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक के बारे में अभी भी मैंने जिक्र किया है आप लोगों से, तो ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती जी, है ना। चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है, रामकृष्ण मिशन की, और मैंने अभी आप लोगों से इसके बारे में बताया भी है अच्छे तरीके से, आप जानते हैं विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था भाई? पटना। ठीक है, पटना, हाँ, वहाबी आंदोलन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, और देखिए, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी? भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित की गई है, दास प्रथा को भारत में? देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी दास प्रथा के बारे में कल वाली क्लास में वर्बली लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में बताया था। तो यहाँ पे 1843 में अवैध घोषित किया गया था दास प्रथा को, 1843 में। आप ध्यान रखना कि जब चार्टर एक्ट 1833 में आया था तो ब्रिटिश सरकार ने दासता को गैर कानूनी करार दे दिया था, और 1843 में संपूर्ण भारत पे प्रतिबंध कर दिया गया था। ठीक है, तो 1860 में दासता का भारतीय दंड संहिता के द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, भारतीय समाज का प्रचलित जो है दास प्रथा को बंद करने के लिए इंग्लैंड में सबसे पहले स्टैनलोप का एक आंदोलन चलाया गया था, वो जो प्रतिबंधित किया गया था दास प्रथा समाप्त करने के लिए, और भारत में 1843 में चलाया गया था, यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि दास प्रथा अशोक सम्राट में भी खत्म हो गई थी, वहां पर भी ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन एग्जाम में वहां से नहीं पूछेगा, यहीं से प्रश्न आएगा। ठीक है, जो बता रहा हूँ। और ये देखिए प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई है? अंग्रेजी शिक्षा भारत में किसके द्वारा लागू की गई है? तो आप जानते हैं विलियम बैट्रिक, लॉर्ड विलियम बैट्रिक के द्वारा। यहाँ पर आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, भारत में अंग्रेजी। यह इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मारना इस पर, यह प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों का जो है, जितने भी मैंने समाज सुधारक क्वेश्चन थे या समाज सुधार आंदोलन से जितने भी प्रश्न थे, मैंने आप लोगों के सारे प्रश्नों के बारे में यहाँ पे जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, तो MPPSC में आप लोगों को और UGC नेट के एग्ज़ाम में आप लोगों से सम्मिलित करने को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न जितने मैंने बताए हैं, सारे प्रश्न अच्छे थे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। मैंने इन सारे प्रश्नों के बारे में भी पहले भी आप लोगों को, मैंने कल ही आप लोगों से सबके बारे में जिक्र कर चुका था। एक बार मैं थ्योरी कराता हूँ, फिर उसके बाद MCQ लेकर आता हूँ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। और मंडे को आप लोगों का यूनिट नंबर सेकंड चलेगा, और वो यूनिट नंबर सेकंड क्या है, समाज कार्य की सहायक प्रणाली और प्राथमिक प्रणाली को लेकर है। ठीक है, तो आप लोगों का मंडे को ज्वाइन होना ज़रूरी है, उसमें मैं हो सकता है केस वर्क ले लूँ, ये देखूँगा सिलेबस में, उसी हिसाब से मैं क्या करूँगा, PDF आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, और उसका क्लास भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मुलाकात करते हैं, है ना। कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए मुझसे।